देश के चार राज्यों में आए चुनावी नतीजे के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता लाभान्वित हो रही है। यही वजह है कि भाजपा को जनता का स्नेह लगातार मिल रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मोदी जी का मंत्र और जनता का विश्वास इस जीत का आधार है। अब जनता जातिवाद नहीं अपितु विकासवाद को समर्थन दे रही है, जिसका उदाहरण चुनाव में हमने देखा है। भाजपा सरकारों के कार्यों को जनता धरातल पर देख रही है और उस जनादेश में वो परिवर्तित हो रहा है। किसी भी राज्य में और केंद्र में अब जनता केवल विकास चाहती है और विकास के लिए जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इसका उदाहरण हम तीन चार में से तीन राज्यों में हमने देखा है। इन चुनाव का जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं।